ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आइजल भी उठ गई हैं और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आइजल के लिए शामी कबाब है और मेरे लिए भी शामी कबाब है, स्पाइसी बॉयल्ड एग आइजल का है और वो लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा मेरा। और ये सीन है, और मैंने अभी पिया है ड्यू फॉर्म वाटर में लेमन डाल के। आइजल दिस इज़ गार्लिक सॉस, स्पाइसी नो। ये क्या खा रही हो आइजल? कॉटन कैंडी। बड़ी वॉच पहनी है। हाँ। शुक्र पहन ली है, कभी तो पहन ली। हाँ कल पहनी थी। अच्छा तो और चाहिए। आज बन रही है भिंडी। अजी मम से थैंक्स। I just say thank you. I just say thank you. Thank you, welcome. Give it to me. I'll open this for you. आज मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। ये है लैम्ब लेग रान लैम्ब की, तो ये बनाने लगी हूँ मैं मंदी, और देखते हैं कि कैसी बनती है। फर्स्ट टाइम ट्राई है तो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने चावल में नमक डाल के ज़रा भिगो के रखे मंदी राइस, और ये लैम्ब बनेगा। तो विश मी लक, और देखते हैं कैसा बनता है। अब मसालों की बात कर लें तो मसालों में हमारे पास इसमें जाएगी दालचीनी, धनिया, लौंग, ज़ीरा सौंफ सॉरी, इलायची, काली मिर्च और पत्ता, और साथ में ये हमारे पास जाएगा इसमें ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा होगा। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है, और उसका टोटल 1.5 स्पून हम डालेंगे गोश्त के अंदर जो पानी है उसमें। अब इस लेग पीस को हमने एक बड़े बर्तन में डालना है जिसमें ये फिट आ जाए, और पानी जो है वो इतना डालना है कि पूरा जो लेग पीस है वो पानी से कवर हो, क्योंकि यही पानी बाद में हमने राइस के लिए यूज़ करना है एज अ यखनी। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए पानी में बॉयल होने देंगे। बाद में मैंने अपनी रखी है चाय, क्योंकि मुझे बहुत दिल करता चाय पीने का, और आप लोगों को पता ही है ये गोश्त बन रहा है भिंडी के लिए, तो मैंने सुबह से डाइट नहीं की क्योंकि आज ही मैं मंदी राइस बना रही थी। तो मैंने सोचा कि यार आज तो बिल्कुल डाइट नहीं बनती, तो अब कल से मैंने डाइट करनी है इंशाल्लाह प्रॉपर। अरे बस कर भाई। तो सुबह नाश्ते में मैंने पिज़्ज़ा खाया, चाय पीती हूँ, और फिर जो काम कर रही हूँ वो करती हूँ। इसको उबलते हुए जो है वो 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर से जितना भी जो गोश्त का ब्लड वगैरह निकला है उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और इसमें वो जो हमने मसाले डाले थे वो ऐड कर दिए। ये मसालों को मैंने मिक्स कर दिया था, तो ये हमने सारा नहीं डालना, इसमें से हम जस्ट लेंगे 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अगर आपको लगे इसमें दालचीनी वगैरह नहीं आई हुई तो आप वो ऊपर से ऐड कर दें, और थोड़े बहुत ये हमने इसमें पत्ते ऐड कर दिए। अब हम इसको पकने देंगे 20-30 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। इसको बॉईल होते हुए 25-30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अब प्याज और बाकी चीज़ें। ये प्याज मैंने काट लिए क्यूब शेप में, ये बेसिकली हमने बाद में निकाल लेने हैं, तो आप जैसे मर्ज़ी काट लें, छोटे छोटे काट लें, टेस्ट ज़्यादा आएगा। 1.5 टेबल स्पून ये मैंने ले लिया है अदरक, और ये यहाँ पे हमारे पास है जिंजर। जिंजर को भी आप छोटा काट लें या साबुत डाल दें, टेस्ट के लिए सब कुछ डालने के बाद में हम इनको छान लेंगे, ठीक है। और इस स्टेज पे आपने हल्का सा इसका यखनी लेके इसको टेस्ट करना है। अगर इसका सॉल्ट जो है वो आपको ठीक लगेगा तो फिर चावलों में भी वही टेस्ट आएगा सॉल्ट का। अगर सॉल्ट कम है तो फिर आप ऐड कर लें। ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून और सॉल्ट डाल रही हूँ।
अब इनको हमने जो है 30 मिनट्स और रखना है बॉइलिंग उस पर पॉइंट पे। तो अब हम इसको लिड बंद करते हैं और 30 मिनट्स के बाद हम इसको दोबारा खोलते हैं। आपको पता है मैंने क्या बनाया? नहीं बताएं आप। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? नहीं खाने में। अच्छा खाने में क्या बनाया? बताए ना, इधर आए पहले बताएं। नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त नहीं, नमकीन गोश्त नहीं बनाया, कुछ और। क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पास्ता? नहीं कुछ और स्पेशल। आइजल, आइजल को, आइजल आइजल आइजू बताएं ना, इधर आए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या बनाया है? स्पेशल कुछ बताएं। स्पेशल, स्पेशल, बहुत स्पेशल। बनूबी पुलाव? नहीं स्टेक। नहीं स्टेक भी नहीं है। अच्छा बेक, बेक आइटम है क्या? है देसी, देसी आइटम है। बिरयानी? नहीं। पाए? नहीं। बारबेक्यू में देसी है ना? स्टीम? क्या स्टीम? स्टीम रोस्ट। कौन सा रोस्ट? स्टीम मटन रोस्ट। लैम मंदी बनाई है मैंने। लैम मंदी बनाई है? हाँ। बन रही है अभी। एक्सपेरिमेंट ये देखते हैं। इसको बॉईल होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इस गोश्त को बाहर निकालते हैं, लेग पीस को, और ये जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम छान लेते हैं, और जो यखनी रह जाएगी फिर उसमें हम राइस डालेंगे। अच्छा मैंने ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उस पानी में, यखनी में, वो मैंने छान लिए हैं, और पानी को मैं दोबारा ऐड करूँगी इसमें बर्तन में, और फिर हम इसमें डालेंगे चावल। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये अभी 80% बन चुका है। 1 घंटे बाद हमने इसको निकाला है बाहर, और 80% बन चुका है, और 20% जो है वो हम उसको कुकर में स्टीम करेंगे। अच्छा ऐसे एल्युमिनियम फॉइल को ट्रे में रखें, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी यखनी निकाल ली, इस यखनी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है, या 1 टीस्पून, थोड़ा जितना आपका। ये सेफ्रॉन वाटर है, सेफ्रॉन इसमें मैंने डाला था पानी में, उसका कलर है ये, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे अपना गोश्त, जो लेग पीस है उसको रखते हैं। ये गोश्त हमने रख दिया है फॉइल के अंदर, ठीक है। हमारा जो सेफ्रॉन कलर है वो हम डालेंगे यखनी के अंदर, हाफ हम इसमें डालेंगे और हाफ हमने डालना है चावलों में। तो ये हमारे पास आ गया है ये यखनी में, हम ये इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर अच्छी तरह डाल दें ताकि ये प्रॉपर इसके अंदर चला जाए। सही है, इस साइड पर डाल दिया है, अब दूसरी साइड पर डालते हैं इसको। और इस पे मैं डालूंगी अपना जो मंदी मसाला मैंने बनाया है। इस मंदी मसाले की रेसिपी आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगी, बहुत इजी है। इसको हम हल्का हल्का इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। हम इसको रैप कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कुकर में रखेंगे। अच्छा ये राइस जो है ये मैंने यखनी में डाले थे, और उसके बाद जितनी भी यखनी है आप राइस डाल दें, और थोड़ी जब एक कनी चावल रह जाए ना, फिर आपने जो दम के चावल रह जाए तो उसमें सारा पानी ड्रेन कर देना है। और ये हमारे पास जो देखे ना राइस कितना अच्छा है, और अलग अलग और लंबा राइस है, ठीक। तो ये सेफ्रॉन वाटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम डाल देते हैं सिर्फ। सेफ्रॉन वाटर डाल दिया, ये हमारे पास जर्दी का रंग, ये बीच में डाल देते हैं, ये डाल दिया। हमारे पास मंदी मसाला है, ये भी इसके ऊपर हम डाल देते हैं, ठीक है।
इसको हम दम पे रखते हैं और इसको फिर जब दम हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेग पीस था उसको मैंने कुकर में रख दिया था और अब उसको मैं आधे घंटे से लाइक 40 मिनट तक इसमें करूँगी, प्रेशर दूंगी, फिर इसको खोलते हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ साल्सा सॉस। साल्सा सॉस में हमारी 2 टमाटर, गार्लिक चाहिए 7 to 8 क्लोव, लीमू का रस 3 और 2 जो है ये, और नमक, रेड चिली फ्लेक्स और पानी। इसको हम सबको ग्राइंड करेंगे जूसर में। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसको देखिएगा, मैं आपको ये बना के भी दिखाती हूँ। राइस बन गए हैं, ये देखें कितने अलग अलग एक एक राइस है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कामरान बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं आप? लेमन सोडा। लेमन सोडा, तो ये मैंने कुकर से निकाल लिया है, ये अब खोल के देखते हैं कि ये डन हुआ है। तो अब मैं इसको यहाँ से खोलती हूँ, पहले काटती हूँ इसको। सो गाइज, ये मैंने ओपन कर लिया है और लुक आप इसकी देख लें, ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुका है। अगर मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगी ना तो ये अपने हड्डियों से बिल्कुल अलग हो जाएगा, बहुत नरम है। और इसमें से जो सेंट आ रही है बहुत मज़े की, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं जाती हूँ कामी के पास लेकर और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। मैं जा रही हूँ अपने रूम में कामी के पास, लेट्स सी के वो कैसा रिएक्शन दे। बन गया है, एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सो के सो के सो के। वाकई सीरियसली? हाँ, ते मजे का, इसमें से खुशबू आ रही है ना और सही सॉफ्ट हुआ है। अच्छा, चेक करें। करें, रिजोल्ट गरम है। अम्मी ने तो कह दिया था सही है। उसके साथ खाए ना, सालसा के साथ। बड़ा बताएं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं, सोना नहीं है सोने से पहले। अरे कहना क्या चाहते हो? 2 seconds later। आइजू, ओ बेबी, चिकन चा। नहीं लेना झूला, देख के सही फनी बोल। हां, ब्राउनी विद आइसक्रीम, सेम।
अंदर आ जाओ बाबा। आज व्हाट आर यू सेइंग टू डैडी? वाओ आइजल इज ड्राइविंग, आइजल इज ड्राइविंग। यस, डोंट टच दिस, नो। आइजल यू वांट आइसक्रीम? आइसक्रीम आ गई। Oh yummy. Eat. बड़ा मजा आया, हम आइसक्रीम खा के वापस आ गए हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। तो आइजल जो है वो सो चुकी है, और मैंने सोचा कि कल से मैंने वैसे भी डाइट शुरू करनी है, तो मेरी उस डाइट प्लान में ना क्या कहते हैं उसमें ना ये चाय नहीं है, मतलब अब दूध पी सकती हूँ, चाय नहीं पी सकती। तो मैंने सोचा यार आखिरी चाय ही पी लेती हूँ, और रात के अभी हो रहे हैं 2 बज रहे हैं रात के, तो मुझे कोई मसला नहीं होता रात को चाय पीने से, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, और कामी को लेमनेड चाहिए था, वो आजकल लेमनेड पीते हैं रात को, तो मैं लेमनेड बनाती हूँ। अभी मैं एक नई रेसिपी देख रही लेमनेड की, उस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। हाँ, तो लेमनेड की रेसिपी कुछ ऐसी है कि पानी में ना हमने डालना है शुगर, और इसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पे लेकर आना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, मेरी चाय भी बन गई है। मेरी जो चाय है वो रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे ये भी बन रहा है, इसमें मैंने लेमन डाल दिए स्लाइसेस करके। अच्छा, इसके अंदर जो है सॉल्ट भी ऐड करना है, और इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें मैंने डाला है हसबे जायका काला नमक, काली मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये लिक्विड जो मैंने बनाया था, 1 to 2 tablespoons इसमें जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमने इसमें ऐड कर दिया। सही है, हम इसमें डालेंगे स्प्राइट, पानी भी आप डाल सकते हैं, और कामी को स्प्राइट चाहिए तो मैं स्प्राइट डाल रही हूँ। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी आइस क्यूब्स। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसा बना है। ठीक है, और इसमें मैं एक या 2 लेमन स्क्वीज करके भी डालूंगी। इसमें मैंने लेमन स्क्वीज करके डाल दिए। ठीक है, ये मैं इसको अब टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। यानी बस इसमें थोड़ा सा काला नमक मैं और ऐड करूँगी, फिर देखते हैं काम में पसंद आता है कि नहीं। टेस्ट करके बताएं। अभी रेसिपी देख के बनाया है। सही बताएं। सही बताएं। मैं दिल ना रखी, वैसे मैं पूछ रही हूँ, बाद में मेहमानों के लिए बनाना पड़ सकता है। चलिए गाइस, अब ये जो गंद मैंने मचाया है मैं ये साफ करती हूँ, और अपनी चाय भी, मैं मेरी चाय पड़ी है वो भी मैंने पीनी है। इस व्लॉग को अब मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।